हमको अगर दो रोटी से पेट नहीं भरता तो तीन रोटी मांगेंगे ही, हमको अगर दो रोटी से पेट नहीं भरता तो तीन रोटी मांगेंगे ही। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। जीतनराम मांझी की सत्ता की भूख जो है वह बढ़ते जा रही है और उनकी इस भूख से नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। आए दिन मांझी कुछ न कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे नीतीश कुमार के कुर्सी प्रेम पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा। दरअसल बिहार की नई एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 8 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, जिसमें पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को SC ST कल्याण विभाग दिया गया, जो जीतनराम मांझी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मांझी कम से कम नीतीश कैबिनेट में हम के ओटे से 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं और लगातार भाजपा जदयू के समर्थन वाली सरकार पर प्रेशर भी बना रहे हैं। इसी क्रम में जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से कहा है कि हमारा पेट एक रोटी से नहीं भरता, हम 2-3 रोटी की मांग करेंगे, कम से कम 2 रोटी तो दीजिए, गरीबों के लिए काम करना है तो हमको अच्छा विभाग भी चाहिए। तो पहले एक बार आप खुद सुन लीजिए कि किस तरह से जीतनराम मांझी सत्ता के लिए भूखे नजर आ रहे हैं। इसका पूर्ण बहुमत है हमारे NDA के साथियों का और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री को हम लोग ने नेता चुना है, मुख्यमंत्री बनाया है और 128 से एक आदमी भी नहीं घसकेंगे, हो सकता है एक आध वोट ज़्यादा ही आ जाए। इसलिए 12 तारीख की जो बात है उसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए कि कोई उलट पुलट हो। राजद और उनके सहयोगियों को लगता है कि मांझी जी ने 2 मंत्री पद मांगा है तो खेला इसी पर टिका हुआ है। ये बहुत गलत है। हम अपना घर है, हमारा मुखिया है, हमको अगर 2 रोटी से पेट नहीं भरता तो 3 रोटी मांगेंगे ही, तो इसमें लड़ाई कहाँ है। हम अपने घर को जला देंगे, हम बर्तन को फोड़ देंगे, वो कभी नहीं हो सकता। हम लोग सब एक साथ हैं। और दूसरी बात कि ये लोग जो बोलते हैं खेला का, तो जानते हैं देहात में हम लोग जानते हैं जो पहलवान पटका जाता है अखाड़ा में वही बोलता है कैसे अबरी हम पटक देंगे, तो वही ये लोग कर रहे हैं। अपने पटका गए हैं तब तो वही आशा स्वप्न रात में भी देखते होंगे कि हम अब पटक देंगे, तो वो सब उनका ख्याली पुलाव है। और हम समझते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में सबको अटूट विश्वास है और जो NDA की सरकार बनी है वो 128 लोगों के बहुमत से बनी है, इसलिए वो 12 तारीख को कोई किसी प्रकार के अप्रिय घटना नहीं होगी। हम लोग बहुत आसानी से कॉन्फिडेंस वोट सीख कर लें। आपको याद होगा कि इससे पहले मांझी ने बेटे संतोष सुमन को SC ST मंत्रालय दिए जाने पर भी अपनी नाराजगी जताई हुई थी और कहा था कि मेरे परिवार को खानदानी SC ST मंत्री बना दिया गया है, हमारी पार्टी को पट निर्माण या फिर भवन निर्माण जैसे विभाग क्यों नहीं मिलते। वहीं मांझी ने मन की बात बताते हुए कहा कि मैं गाँव से आता हूँ, शहर से मेरा कोई मतलब नहीं रहता, मैं 43 साल से काम कर रहा हूँ, लोगों को मुझसे उम्मीद रहती है कि कुछ काम मैं कर दूँ, यदि मुझे कोई मंत्रालय मिल जाए और काम हो सकता है जो विभाग हमारे ही वर्ग के रत्नेश सद्दा के पास था वही मंत्रालय उनसे छीनकर हमें दे दिया गया जबकि वह अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई और विभाग भी दिया जा सकता था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमेशा मैं एक ही विभाग देखता रहूं यह अच्छा नहीं लगता, हमारे मन में आती है कि जानबूझकर हमारे समाज को नज़रअंदाज किया जा रहा है, यह कोई रंजिश नहीं। इसके अलावा उन्होंने फ्लोर टेस्ट में NDA का साथ देने की भी बात कही है, उन्होंने कहा कि हम नीतीश जी और NDA के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें डट कर हम NDA का साथ देंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब वाकई में जीतन राम मांझी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वो गरीब और पिछड़ों के लिए बड़ा मंत्रालय लेकर काम करना चाहते हैं, क्या वाकई में उनकी मंशा ऐसी है या फिर वाकई में उनको सत्ता का भूख सता रहा है? आप कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल TV बिहार। धन्यवाद।